गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन नंबर 5 ऑफ माई लिविंग वर्ड. द नेम ऑफ द लेसन इज अ हाउस टू लिव इन. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू वी नीड अ हाउस. व्हाई डू वी नीड अ हाउस, वी नो दैट वी लिव इन इट, सो इट्स आंसर विल बी वी नीड अ हाउस टू लिव इन. सेकेंड क्वेश्चन, नेम डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज. नेम डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज, आंसर विल बी हट, इग्लू, हाउस बोट, कारवेंस, टेंट, बंगलो, स्काई स्क्रैपर. ओके, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज. इसके साथ साथ आपको ये क्वेश्चन भी करना है कि जो आपकी प्लेन साइड होती है इसमें आपने हट ड्रॉ करनी है एक पेज पर, दूसरे पर टेंट ड्रॉ करना है, और एक और इग्लू जो इजी है. ये 3 टाइप के हाउसेज हैं. आप इसको हैंड ड्रॉ करेंगे, आपने पिक नहीं पेस्ट करनी है इसके ऊपर, आपने इन तीनों की पिक्चर को हैंडमेड करना है और उसमें कलरफुल अच्छे अच्छे करने हैं. 3 पेजेस पर जो आपकी इंटरलीव है ना, एक साइड प्लेन होती है उसमें आपने एक साइड हट ड्रॉ करनी है, सेकंड दूसरे पेज पर टेंट और थर्ड वाले पर इग्लू. ये 3 टाइप्स के हाउस आपने ड्रॉ करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ हट और कच्चा हाउस. व्हाट इज अ हट और कच्चा हाउस, बोथ आर द सिमिलर, सो आंसर विल बी अ हाउस मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड बैम्बू इज कॉल्ड हट और कच्चा हाउस. अ हाउस मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉज एंड बैम्बूज इज कॉल्ड हट और कच्चा हाउस. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन इग्लू मेड ऑफ. व्हाट इज एन इग्लू मेड ऑफ, आंसर इज एन इग्लू इज मेड अप ऑफ सॉलिड स्नो. एन इग्लू इज मेड ऑफ सॉलिड स्नो. तो आज आपके लिए यही 4 क्वेश्चन हैं. आपने अपनी कॉपी के ऊपर इनको लिखना है. इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ओके बेटा, थैंक यू.